गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर 3 माय फैमिली क्लास 2 ईवीएस चैप्टर 3 की बात हम कर रहे हैं कि चैप्टर 3 में जो माय फैमिलीज के बारे में बताया गया है कि एक बच्चे के द्वारा परिवार में कैसे अपनी योजनाओं को प्राप्त करते हैं, अपनी प्रतियोगिताओं को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जहां आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर 3 माई फैमिली, मेरा परिवार। यहाँ पर ये बच्चे के द्वारा कह रही है कि साइना ड्रॉस ए पिक्चर ऑफ हर फैमिली इन ड्राइंग कंपटीशन इन स्कूल, सी टेल्स हर टीचर्स अबाउट हर फैमिली। यहाँ पर बात की जा रही है कि साइना अपनी मम्मी से बात करती हुई कहती है कि साइना ड्रॉस ए पिक्चर ऑफ ए हर फैमिली इन ए ड्राइंग कंपटीशन इन स्कूल, सी टेल्स हर टीचर्स अबाउट हर फैमिली। साइना स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता में अपने परिवार का एक चित्र बनाती है। देखिएगा यहाँ पर क्या बात की गई है, जो साइना है अपने स्कूल्स में क्या करती है, अपने स्कूल्स में ड्राइंग कंपटीशंस होती है या फिर ड्राइंग जो प्रतियोगिता होती है अपने फैमिली का एक पिक्चर्स बनाती है। सी टेल हर टीचर अबाउट ए फैमिली, सी टेल अपने वह अपने शिक्षक को अपने परिवार के बारे में बताती है। वह क्या करती है, अपने शिक्षक को क्या करती है, अपने फैमिली के बारे में डिस्कस करती है, बताती है। ओके, इसके बाद दिया गया है नीचे पैराग्राफ्स में देखिएगा, यहाँ पर कुछ इमेज दिए हुए हैं। देखिएगा अपने फैमिली के बारे में बताया गया है कि अपने फैमिलीज में कौन कौन से रहते हैं, अपने परिवार में कुछ इमेज दिखाते हैं अपने टीचर्स को। यहाँ पर इमेज देखिएगा, मम्मी के हैं, पापा के हैं, अपने भाई के, और अपने खुद की इमेज दिखाते हैं। बोले जाता है कि आई लिव विथ माई फादर, मदर एंड यंगर ब्रदर, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज। यहाँ पर बात की गई है कि मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता हूँ, मैं एक एकल परिवार में रहता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है एकल परिवार। किनके साथ में रहते हैं, मेरे फैमिली में मेरे पापा रहते हैं, मेरे मदर रहते हैं, मेरे यंगर ब्रदर रहते हैं, भाई रहते हैं, और मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, मतलब एकल परिवार में रहती हूँ बोला गया है। ओके, नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, नीचे पैराग्राफ्स में कुछ दिए हुए हैं कि नीचे पैराग्राफ्स के बात की गई है। यहाँ पर बात की गई है कि जो ए फैमिली इज ए ग्रुप पीपल ऑफ द रिलेटेड टू ईच अदर, ये जो फैमिली होते हैं, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, ग्रैंड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स अंकल्स, आंट एंड चिल्ड्रंस टुगेदर, मैं के फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली में टू में लिव इन ए सेम हाउसेस की बात की गई है। देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये एक जो फैमिली है, एक फैमिली के ग्रुप हैं, पीपल इन रिलेटेड इस अदर, एक दूसरे से संबंधित लोगों का एक समूह है, एक दूसरे से संबंधित जो होते हैं, एक दूसरे से संबंधित लोगों का क्या है, एक फैमिली समूह है। ग्रैंड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स अंकल्स, आंट एंड चिल्ड्रंस टुगेदर, मैं के फैमिली, ऑल मेंबर फैमिली मे टू मे नॉट लिव इन द सेम हाउसेस, दादा दादी, माता पिता, चाचा, मौसी और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। यहाँ पर बात की गई है दादा दादी, माता पिता, अंकल, आंट, चाचा जाती एंड बच्चे मिलकर क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं, एक परिवार बनाते हैं। ए मेंबर ऑफ फैमिली मे टू मे नॉट लिव इन द हाउसेस, सेम हाउसेस, एक परिवार के सदस्य, सभी सदस्य एक ही घर में भी रह सकते हैं और नहीं भी, एक ही घर में रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। जैसे बात की गई है, जैसे चाचा चाची की बात करते हैं, अंकल आंट जो होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, दादा दादी जो रहते हैं, एक ही फैमिली में रहते हैं, एक परिवार बनाते हैं बच्चे को मिलकर, वह एक सदस्य के रूप में एक ही फैमिली में रह सकते हैं। मे नॉट लिव इन द सेम हाउसेस, एक घर में रह सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात की गई है। जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं,
एकाल तक परिवार होते हैं, एकालात्मक जो परिवार होते हैं, एकल परिवार होते हैं। ए न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, इट मे बिग और स्मॉल। यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, एकल परिवार होते हैं, केवल माता पिता और बच्चे होते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसमें पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं और बच्चे चिल्ड्रंस होते हैं। इट मे बी बिग और स्मॉल, उनका जो परिवार होता है उनमें वह जो परिवार होते हैं वह बिग भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी होता है। जैसे बात की जा रही है, छोटी होती है चाहे बड़ी हो या छोटी हो, जैसे चाहे बड़ी हो या छोटी हो, मतलब बताया गया है न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं। जैसे स्मॉल एक फैमिली होती है, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक बिग न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। जैसे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होते हैं, मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, उसी प्रकार मम्मी पापा और दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं उसको बिग न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है, और मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं उसको स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली बोला जाते हैं। ओके बेटा, साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है यहाँ पर। डू यू नो व्हाट इज इन द सरनेम इज, डिस्कस इन क्लास। डू यू नो व्हाट इन सरनेम इज, व्हाट इज सरनेम इज, साइना जानना चाहती है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि सरनेम क्या है। कक्षा में चर्चा करें, व्हाट इज योर सरनेम्स, सरनेम क्या है, व्हाट इज द सरनेम, सरनेम क्या है। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बारे में बताया मैंने, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती हैं, न्यूक्लियर जो फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर जो फैमिली होती हैं, एक तो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज हो सकते हैं, एक बिग न्यूक्लियर फैमिलीज हो सकते हैं। ओके बेटा, पेज नंबर 11 के बारे में बात कर रहे हैं। अब नीचे देखिएगा, ट्वेल्थ में देखिएगा, ट्वेल्थ जो है यहाँ पर बात की गई है। ट्वेल्थ पेज नंबर में जाइएगा, ट्वेल्थ पेज नंबर में बताया गया है कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती हैं। आपने फर्स्ट क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती हैं, जो ज्वाइंट फैमिली होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, वो कैसे ज्वाइंट फैमिली होते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर बात की गई है जो संयुक्त परिवार होते हैं, ए ज्वाइंट फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड अंकल। यहाँ पर बात, जो ज्वाइंट फैमिलीज होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, उनमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स होते हैं एंड उनके जो कजिन्स होते हैं, टुगेदर इन द सम हाउसेस, सब एक ही हाउसेस में क्या करते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज के रूप में रहते हैं। जैसे संयुक्त परिवार में एक ही घर में दादा दादी रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, माता पिता और चचेरे भाई एक साथ रहते हैं, जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं या फिर हम वैसे ही संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है, जो कि ज्वाइंट फैमिलीज होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। देखिए, मम्मी पापा के साथ साथ में मम्मी पापा, बच्चे और चाचा चाची, दादा दादी, सभी लोग एक ही परिवार में रहते हैं, सो हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ओके बेटा, हाउ वी आर अदर रिलेटेड, हाउ वी आर रिलेटेड्स क्या होती हैं, हाउ वी आर रिलेटेड्स के बारे में बताया गया है। जैसे एक परिवार होते हैं, वी आर रिलेटेड, कि संयुक्त परिवार हम कैसे संबंधित हैं, संयुक्त परिवार से हम कैसे संबंधित करते हैं, संयुक्त परिवार जो होती हैं उसको कैसे संबंधित करते हैं। जैसे लेट्स मीट साइना फैमिली, साइना यहाँ पर जानना चाहती है, साइना जानना चाहती है कि मीट करके जानना चाहती है, जैसे साइना ब्रदर, मदर एंड फादर, साइना पेरेंट्स इन द ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर कुछ जो साइना के पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं, उस प्रकार भाई, माता पिता, साइना के माता पिता, उसके दादा दादी, ये सब चीज़ दिए हैं, कैसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पर साइना हैं, उनके भाई हैं, उनके मम्मी हैं, उनके पापा हैं, उनके जो दादा दादी हैं, यहाँ पर दादा दादी के बारे में भी यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से बताया गया है। जैसे साइना के जो ग्रैंड्स मदर हैं, साइना के ग्रैंड्स फादर हैं, साइना के ग्रैंड्स उनके जो ग्रैंड्स फादर और ग्रैंड्स मदर हैं, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। जैसे साइना फादर्स और मदर्स एंड सिस्टर्स हर ऑन ही, फादर्स एंड मदर्स इन द ब्रदर इन हर अंकल। यहाँ पर उनके चाचा चाची के बारे में बताया गया है कि उनके जो मदर ब्रदर्स हैं, यहाँ पर साइना के जो फादर के मदर सिस्टर्स हैं ऑन एंड ही फादर फ्रॉम मदर्स ब्रदर्स इन द अंकल्स।
यहाँ पर उनके चाचा चाची के बारे में बताया गया है। देखिएगा यहाँ पर कुछ इमेज दिए हुए हैं, यहाँ पर उनके अंकल और आंट हैं और उनके अंकल और आंट हैं। यहाँ पर ऐसे पति पत्नी के क्या होते हैं, अलग अलग चाचा चाची होते हैं, उसी प्रकार बताया गया है। इस प्रकार मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया, कुछ इस तरह दिए हुए हैं। तो आप भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा और समझिएगा कि नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे फैक्ट आंट्स दिए हुए हैं, फैक्ट आंट्स के बारे में कि हेल्पिंग वन अदर्स क्या होती हैं, जो हेल्पिंग वन अदर होते हैं उनकी एक दूसरे की कैसे सहायता करते हैं और कैसे सहायता करनी चाहिए, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो है, कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो अच्छे से आप लोग भी स्टडी कीजिएगा, जहाँ आपको दिक्कतें होती हैं, समझने में दिक्कतें होती हैं, मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वी और रिलेटेड्स क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंध कैसे होते हैं संयुक्त परिवार में, जैसे एक दूसरे से संबंधित मीट कर सकते हैं, जैसे जो मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा के क्या होते हैं, मम्मी के जो अलग रिलेटिव होते हैं और पापा के कुछ अलग रिलेटिव होते हैं, जैसे पैटर्नल रिलेटिव करते हैं और मैटर्नल रिलेटिव बोला जाता है। जो मम्मी के रिलेटिव होते हैं उनको अलग माना जाता है और जो पापा के रिलेटिव होते हैं उनको अलग माना जाता है। तो इस प्रकार मैंने इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर जो ग्रैंड्स फादर और ग्रैंड्स मदर दिए हुए हैं उनकी अलग अलग इमेज दिए हुए हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ बची हुई है क्लास उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके बाय।